आज पूरे साल का लेखा जोखा एक एक राशि के अनुसार हर महीने आपका कैसा बीतने वाला है, इसलिए पेन डाउन करना हो तो कर लीजिए। किन महीनों में आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है, आज ही के दिन साल के जाते जाते इस 31 दिसंबर के दिन आपको ये भी जानकारी विशेष तौर पर कालचक्र पर मिलने वाली है। तो मेष राशि के जातकों की बात हो गई, चलिए अब जल्दी से वृषभ राशि के जातकों की भी बात कर लेते हैं। साल 2024 का आपका पूरा गुणागणित क्या कहता है ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, वृषभ राशि, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप ये मान के चलिए कि आपके आजीविका के स्थान में पूरे साल शनिदेव बैठे रहेंगे और आपके एकादश भाव में आमदनी के स्थान में राहु की स्थिति पूरे साल रहेगी और आपके पंचम भाव में संतान भाव में केतु की स्थिति रहेगी। ये ग्रह गोचर देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आपका रुका हुआ पैसा, आपका कहीं दिया हुआ पैसा, आपका कोई विदेश में रुका हुआ पेमेंट, वो आपको मिल जाएगा। विदेश में भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ट्रांजिट इस बात का संकेत करता है कि आपका सम्मान बढ़ेगा, लेकिन आपको संभल कर फैसले लेना चाहिए। फरवरी 2024 की बात करें तो ट्रांजिट के आधार पर अगर फरवरी 2024 हम देख रहे हैं तो बहुत समय से रुका हुआ कोई आपका लक्ष्य अगर है तो वो आपको मिल सकता है, जिसकी बहुत खुशी आपको होगी। अविवाहित लड़के लड़कियों के लिए जो विवाह के योग्य हैं उनके विवाह के अवसर बनेंगे और कुछ अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। अप्रैल 2024 में आपका भाग्य मजबूत रहेगा, सुनहरे अवसर मिलेंगे, कड़ी मेहनत का फल मिलेगा और कार्य क्षेत्र में आपको सतर्क रहना है और अपनी योजनाओं के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना है। और मई 2024 में आपको निश्चित रूप से कोई बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है, सुनहरे अवसर मिलेंगे, नौकरी बदलने का भी बहुत अच्छा समय रहेगा, कानूनी मामले आपके पक्ष में रहेंगे और विवाह का भी योग बन रहा है। जून 2024 में जो ग्रह स्थिति बन रही है उसके आधार पर कुछ रुकावटें आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन अगर आप व्यवसायिक कोई यात्रा कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। बृहस्पति और शनि ये आपसे कड़ी मेहनत कराएंगे और आर्थिक लाभ भी होगा। जुलाई 2024 में धैर्य रखिएगा, कड़ी मेहनत का आपको फल मिलेगा। कुछ पारिवारिक कारणों से हो सकता है कि आपकी मानसिक एकाग्रता में कमी आए। देखिए, ये तो हर जगह होता है, जहाँ परिवार है वहाँ कुछ ऊंच नीच होता है, लेकिन आप अपने पेशेंस को और धैर्य को बनाकर अगर रखेंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आप अपने घर को रेनोवेट करवाना चाहते हैं तो बजट देखकर रेनोवेट करवाइएगा। बजट से बाहर जाकर के अगर आप कोई काम करेंगे इस महीने में तो वो आपके लिए आर्थिक संकट पैदा करेगा। आपको प्यार मिल सकता है, संतान का सुख मिल सकता है, क्रिएटिव लोगों से आपको सहयोग मिल सकता है, आमदनी भी बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात जो इस महीने की है वो ये है अगस्त की, कि इस महीने में आप 15 अगस्त के बाद कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। अब सितंबर 2024 की बात है वो ये है, काम के कारण अपनों को नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि व्यस्तता तो आपकी रहेगी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप अपने रिश्तों को भूल जाएं। काम में इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि आदमी अपने खास खास रिश्तों को भी नज़रअंदाज कर दे, फिर आप जी किसके लिए रहे हैं। कार्य क्षेत्र में लाभ का योग बना हुआ है, धन लाभ भी होगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी, मान सम्मान और धन में वृद्धि का योग है। नवंबर 2024 जो है ये सभी रुकावटों को दूर करेगा, सभी काम में तेजी आएगी, लेकिन अचानक कुछ अप्रत्याशित खर्चे भी आ सकते हैं और घर में क्लेश की स्थिति भी बन सकती है। इसी क्रम में जो दिसंबर का महीना है इसमें मैं आपसे ये कहूँगा कि ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो लोग स्वभाव से अच्छे नहीं हैं। रिश्तों के लिहाज से भावुक करने वाला समय है, इसलिए जिसको आपने एक बार आजमाया है और वो कसौटी पर खरा नहीं उतरा है उसके साथ पुनः आपको किसी तरह का वार्तालाप
या व्यवहार या नज़दीकी नहीं बढ़ानी चाहिए। और हाँ, पूरा साल आपके लिए मंगलमय रहे इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, दुर्गा सप्तशती में दिव्या कवचम नाम का एक चैप्टर है। अगर आप कवच का नित्य प्रातः सायं पाठ करना शुरू कर दें तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ पूरा 2024 आपके लिए दिवाली बन जाएगा। और बहुत बड़ा कठिन से कठिन काम आपके चरणों में आकर के गिर जाएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि भगवती का इतना प्रताप इस कलिकाल में भी है। इसलिए आप वृषभ राशि के जातक हैं, आपका राशि स्वामी शुक्र है, आपकी आराध्या दुर्गा है, इसलिए दिव्या कवचम का पाठ आपके लिए वरदान साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी।